बारूद फटा है, बम बम ने सुतली बम से बारूद सी बात निकल गया वगैरह तो ये बम को तो काम कर गया थे काम कर रहा था। शहर के कोतवाली थाना इलाके में लोग उस समय सकते में आ गए जब एक मकान में अचानक से धमाका हो गया। करीब आधा दर्जन लोग इसकी चपेट में आने से घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे घर में रखा सामान अस्त व्यस्त हो गया। धमाका होते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। जानकारी लगते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुँच गयी थी। काम कर रहे थे तो का भाव फटगा पुत्री बम का काम कर रहे थे और तथा उसी को बना रहे थे पूरे रखे थे गट्टे। हाँ, वही पुत्री बम बनाने का काम तुम बना कस रहे थे। हाँ, फिर का भाव फट गए थे। कैसे? अपने आप जो पुत्री बम बना के समय पूरा कस गए तो एडिशनल एसपी रामेश्वर यादव का इस मामले में कहना है कि धमाका होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक घरेलू सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है। मौके से बारूद की गंध भी आ रही है। एफएसएल और बीडीएस टीम द्वारा मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा कि धमाके की असल वजह क्या है। स्मार्ट बार की गली में वहाँ पर इकट्ठा हम सब पुरुषोत्तम था नंबर 35 हाउस। ये जो है हमारा जो मुखिया है, इनके मकान में ब्लास्ट हुआ है और जो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी उसमें ये जानकारी मिली थी कि गैस सिलेंडर के कारण से ब्लास्ट हुआ है। तो वहाँ गर्म तो थोड़ी बहुत आ रही है ऐसा मुझे लगता है, नहीं मिल जाती या उनकी रिपोर्ट हमें मिल जाए या कोई ऐसा तथ्य मिल जाए जिसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। अभी हम इंतजार कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट। सिलेंडर फटा मिला हुआ है? नहीं, कोई सिलेंडर वहाँ एक सिलेंडर साबुत मिला है जो दूसरे कमरे में। तो अभी जाँच कर रहे हैं स्थिति होगी उसके अनुसार। तो वैसे उम्मीद है कि उसकी कोई ऐसी फैटल कैजुअलिटी नहीं। दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यहां आतिशबाजी बनाने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जाता है और उसी से ब्लास्ट हुआ है। कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बारूद फटा है, बम बनने सुतली बम बोलंदा से यहाँ के संजय प्रजापति भैया प्रजापति ये लोग बनाते सामने बैठ के। आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया? विरोध कर चुके, 50 शिकायत कर चुके। शिकायत भी पहले डल चुकी है। लाइसेंस उनके पास तो करीला का है लेकिन बना यहाँ से रहे वो। पूरे कॉलोनी के लिए सप्लाई दे रहे हैं वो बनाने के लिए। घर घर बन रहा है यहाँ पूरे मोहल्ले में। धमाका तो धमाका तो है ये। थोड़ी ना फटा। सिलेंडर तो जाके था वहाँ रखो। घुसता ही नहीं। अरे वो ऑलरेडी सही था। हम तो नाम लेके तक बोल रहे हैं आप लोगों के सामने लेकिन कोई कार्रवाई तो हो तब ना। ये इसके बारे में हमें पता नहीं क्या अचानक से हुआ है। फल्ट वगैरह हुआ एकदम से बालू सी बाहर निकली आगे वगैरह। तो हम लोग तो बाहर चले गए थे, खड़ा कर देखा तो रोगन वगैरह की स्मेल आ रही थी। लखन सिंह ठाकुर, राधा रानी, रजनी ठाकुर, देविका ठाकुर और नंदिनी बाल बच्चे वगैरह और आदर सिंह ठाकुर बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब बिल्कुल जल ही गए, बिल्कुल सामने जैसे बाजू में ही थे। बहुत ज़्यादा स्थिति अल्फा केयर होम्यो क्लिनिक। क्या आप सर्दी जुखाम से परेशान रहते हैं? क्या आपके कमर घुटनों में दर्द रहता है? कब्ज, पाइल्स, फिसर या पेट में बनने वाली गैस से भी परेशान है? चर्म रोग, बालों का झड़ना या चेहरे पर कील मुहासे हैं? क्या आप पथरी से भी परेशान हैं? क्या आप स्त्री रोग या बांझपन से भी परेशान हैं? तो आज ही संपर्क करें डॉक्टर काजी वसीमुद्दीन अप्सरा कॉम्प्लेक्स गौर टावर परकोटा सागर। हमारा नंबर है 9755338675।